Hey guys, welcome to my channel Effective Arts Classes. In today's video, we'll be discussing the sample answer of a new cue card, that is, describe a person you know who likes to talk a lot. एक ऐसे पर्सन के बारे में बात करनी है जिसे आप जानते हो जो कि बहुत ज़्यादा बात करता हो, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो. गाइज, इसके हम फॉलोअप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहें. इसमें जो क्वेश्चंस कवर होते हैं वो क्या हैं, हु दिस पर्सन इज, हाउ डू यू नो हिम हर, वट ही शी लाइक्स टू टॉक अबाउट, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस. कौन पर्सन है वो, आप उसको कैसे जानते हैं, वो क्या बात करना पसंद करता है या करती है, एंड ये एक्सप्लेन करना है कि आप उसकी इस क्वालिटी के बारे में कैसा फील करते हो. राइट, वेल, टॉकिंग आई बिलीव इज लाइक द हार्ट बीट फॉर पीपल थ्रू विच दे शेयर लाफ्टर, इमोशंस एंड विजडम, क्रिएटिंग वाइब्रेंट मेमोरीज एंड वट नॉट. टॉकिंग मुझे लगता है इज द हार्ट बीट फॉर पीपल, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए, थ्रू विच, जिसके हेल्प से दे शेयर लाफ्टर, इमोशंस एंड विजडम, जिसकी हेल्प से वो अपना कोई दुख सुख है, कोई इमोशंस है, कोई भी उनके पास किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी है, मतलब वो शेयर करते हैं, क्रिएटिंग वाइब्रेंट मेमोरीज, जिससे कि वो अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज भी बनाते हैं, क्या कुछ नहीं करते. राइट, क्योंकि बात करने से हमें नॉलेज मिलती है, हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं. राइट, हमारा एंटरटेनमेंट होता है, बहुत कुछ होता है. राइट, देर आर मेनी पीपल हु आर वेरी चैटी इन माई सोशल सर्कल, ऐसे बहुत से लोग हैं हु आर वेरी चैटी इन माई सोशल सर्कल, जो कि जिनको मैं जानती हूँ, मेरे सोशल सर्कल में जितने लोग हैं उसमें से बहुत से लोग हैं जो कि चैटी हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बात करते हैं. बट आईड लाइक टू टॉक अबाउट पार्थ हियर, लेकिन यहाँ पे मैं पार्थ के बारे में बात करूँगी, हु इज़ वर्थ मैंशनिंग, जो कि वर्थ मैंशनिंग है. वर्थ मैंशनिंग मतलब कि इसके बारे में, इसी को ही मैंशन करना मैं प्रेफर करूँगी. राइट, अब इसमें आप देखिएगा, इस मैंने यहाँ पे कैसे करा, मैं सीधा भी कर सकती थी, वेल आई बिलीव दैट टॉकिंग इज़ लाइक द हार्ट बीट फॉर पीपल, बट हेयर मैंने क्या किया, वेल टॉकिंग आई बिलीव इज़ लाइक, यहाँ पे कोमा, इज़ लाइक द हार्ट बीट फॉर पीपल. मैंने यहाँ पे आई बिलीव को बाद में लगाया, क्यों, सो दैट एग्जामिनर को पता लगे कि दैट यू आर अ गुड यूज़र ऑफ इंग्लिश. राइट, सो जो ऐसी हमें अपनी स्पीकिंग में ऐसी कुछ बातें यूज़ करनी है जिससे कि एग्जामिनर को लगे दैट यू स्पीक इंग्लिश इन योर डेली लाइफ. राइट, अगेन मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही करा, ही एक्चुअली इज माई सिस्टर इन लॉ सन. आप देखोगे अगर आप ध्यान से सुनो तो यहाँ पे हल्का सा पॉज आता है, ही एक्चुअली इज माई सिस्टर इन लॉ सन, वो असल में मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है. ही इज़ ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है, हैविंग इनसेटिएबल पैशन फॉर कार्स. इनसेटिएबल मतलब कि उसको इतना पैशन है कार्स का कि वो उसको जितना भी जान ले, मतलब उसके लिए वो कमी है, उसको है कि मैं सब कुछ बताओ, सब कार्स का बताओ, एवरीथिंग फ्रॉम विंटेज कार्स टू कटिंग एज सुपर कार्स. विंटेज कार्स मतलब पुरानी कार्स से लेके कटिंग एज सुपर कार्स, मतलब आज की जो लेटेस्ट जो नई कार्स हैं. हिज नॉलेज ट्रांसेंड्स हिज एज, उसकी जो नॉलेज है वो उसकी एज से कतई बड़े ही है. राइट, हिज एंथुजियाज्म फॉर ऑटोमोबाइल्स इज इन्फेक्शियस, जो उसका एंथुजियाज्म है, जो उसकी उत्सुकता है ऑटोमोबाइल्स मतलब कार्स के बारे में, वो इन्फेक्शियस है. इन्फेक्शियस मतलब कि इन्फेक्शियस कोई चीज़ क्या होती है कि मतलब एक से दूसरे को हो जाए. इसमें ही मतलब काइंड ऑफ मैंने एडियोमेटिक वे में इसको यूज़ करा है कि उसकी जो नॉलेज है, उसका जो उत्सुकता है ऑटोमोबाइल्स के बारे में, वो इतनी ज़्यादा इन्फेक्शियस है दैट वन कैन नॉट हेल्प बट बी ड्रॉन इन टू हिज वर्ल्ड ऑफ हॉर्स पावर टॉर्क एंड स्लीक डिजाइंस, कि वो भी उसके साथ उसी की ही दुनिया में मतलब खो जाएगा. इन हिज वर्ल्ड ऑफ हॉर्स पावर टॉक एंड स्लीक डिजाइंस, मतलब वो क्या से जो इसके मतलब होते हैं, कितनी उसकी पार है, क्या कैसा डिजाइन है, एवरीथिंग. वट सेट्स पार्थ अपार्ट इज नॉट जस्ट हिज नॉलेज बट ऑल्सो हिज अबिलिटी टू एंगेज अदर्स इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट. जो चीज़ पार्थ को मतलब सब लोगों से अलग करती, मैंने पार्थ को ही क्यों चुना, मतलब इज नॉट जस्ट हिज नॉलेज, उसकी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ही नहीं बट ऑल्सो हिज अबिलिटी टू एंगेज अदर्स इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, कि सिर्फ उसकी नॉलेज नहीं बट उसकी अबिलिटी, मतलब उस वो क्या करता है कि उसके आसपास जो भी लोग हैं वो उनको अपने फेवरेट सब्जेक्ट में एंगेज कर लेता है. ठीक है, ही मेक्स कन्वर्सेशंस फन एंड इंटरेस्टिंग, वो अपनी जो भी कन्वर्सेशंस हैं उसको फन एंड इंटरेस्टिंग करता है, मतलब एक मज़ा भी होता है और उसमें आपका इंटरेस्ट भी, आपका भी गेन होता है उसमें. Sharing his passion with enthusiasm by creating social interactions lively and enjoyable.
क्या करता है वो, जो भी जिस जब हम मिलते हैं बातचीत करते हैं, वो जो जो भी सोशल इंटरेक्शंस होती हैं उसको लाइवली बना देता है एंड एंजॉयबल. लाइवली मतलब कि वही खाली डोमिनेंट नहीं है कि सिर्फ वही बोले जा रहा और आप सुनते जाओ, नहीं, वो आपकी भी सुनता है, ठीक है, एंड अपनी भी सुनाता है, मतलब दोनों के बारे में, आपको भी, वेयर एवरी वन फील्स इन्वॉल्व एंड एक्साइटेड, जहाँ पे हर कोई इन्वॉल्व भी फील करता है एंड एक्साइटेड भी, टू लर्न मोर अबाउट द मोटर कार्स, राइट. मोर ओवर ही इज अ शाइनिंग स्टार इन द क्लासरूम एंड एन एप्पल ऑफ एवरी वन आई एट होम. वो क्या है, अपनी जो क्लासरूम, मतलब वो स्कूल में भी एक इंटेलिजेंट बच्चा है और घर में भी सबकी आंखों का प्यारा है. एक्चुअली ही इज एन ऑलराउंडर. असल में वो क्या है, एक ऑलराउंडर है, एज ही इज लिटिल शेफ ऑल्सो. वो एक लिटिल शेफ भी है एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही यमी, स्क्रम्पशियस, मतलब बहुत ही स्वाद खाना बनाता है. एट लास्ट, आखिर में आई'ड से दैट द नॉलेज एंड द कॉन्फिडेंस ही हैज इज बियॉन्ड हिज ईयर्स. मतलब आखिर में मैं यही कहूँगी कि जो उसकी नॉलेज है एंड उसका जो कॉन्फिडेंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो उसकी एज से काफ़ी ज़्यादा है. एंड आई फील गुड फॉर हिम फॉर हिज कग्निशन एंड नेचर एंड लव दिस क्यूटेस्ट किड अलॉट. एंड मैं बहुत ही गुड, अच्छा, मतलब फील करती हूँ उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कग्निशन के लिए एंड उसका जो नेचर है. एंड आई लव दिस क्यूटेस्ट किड अलॉट. एंड मैं उस छोटे से बच्चे को, उस छोटे से क्यूट बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ. नाउ विल बी डिस्कसिंग इट्स फॉलोअप क्वेश्चंस. सो फर्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन इज, व्हाट कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट. कौन कौन सी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं. एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक बात है मेरी ओपिनियन की, वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑफ द पैरामाउंट सिग्निफिकेंस. मतलब जहाँ तक मेरी बात है, मुझे क्या लगता है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इंक्लूड्स बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स. इसमें दोनों, बोथ ओरल भी एंड रिटन भी, दोनों ही तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्लूडेड होती हैं. इन दिस कॉम्पिटिटिव एंड कंटेम्प्रेरी इरा, आज के जो कॉम्पिटिशन वाला जो इरा चल रहा है, जो आज का मॉडर्न टाइम चल रहा है, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. नो मैटर वन इज़ अ स्टूडेंट और इज़ वर्किंग, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एक बच्चा है या वो वर्किंग है, हर किसी में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए इफ़ दे वॉन्ट टू स्टैंड आउट. मतलब अगर वो एक भीड़ में अलग ही दिखना चाहते हैं तो हर किसी में ये दो क्वालिटीज़ तो एटलीस्ट होनी ही होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर मोस्ट इंडियन पीपल टॉकेटिव. क्या जो ज़्यादातर इंडियंस हैं वो टॉकेटिव हैं. आई बिलीव, मैं मानती हूँ कि जो पीपल, मतलब जो लोगों की कम्युनिकेशन स्टाइल्स है वो किस चीज़ से प्रभावित होती है, बाय वेरियस फैक्टर्स. बहुत सारी चीज़ें हैं, सच एज कल्चरल बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़. जैसे कि कल्चरल बैकग्राउंड, मतलब वो किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसकी परवरिश कैसी हुई हुई है, उसकी एजुकेशन कैसी है और उसकी किस तरह की उसकी मतलब पर्सनालिटी है. इंडिया इज़ एन इनक्रेडिबली डाइवर्स कंट्री विद न्यूमरस लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. सो इट्स नॉट एक्यूरेट टू एट्रीब्यूट अ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन स्टाइल लाइक टॉकेटिवनेस टू मोस्ट ऑफ द इंडियंस. मतलब ये कह रहे हैं कि इंडिया जो है एक बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है. मतलब बहुत ही तरह के लोग रहते हैं इंडिया में, ठीक है, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे तरह के कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं. सो ये सही नहीं होगा कि मैं टू मोस्ट ऑफ द इंडियंस को मैं एक ही चीज़ बोल दूँ कि हाँ वो चैटी हैं, वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं. इंडिविजुअल्स में हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेज बेस्ड ऑन देयर पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सपीरियंस. मतलब उसकी इंडिविजुअल्स के क्या अपनी प्रेफरेंस हो सकती है कि वो किस तरह का है, उसको कैसे लोग पसंद आ रहे हैं, कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा है, कैसी वो जगह पे रह रहे हैं, कैसी वो जगह पे है उस टाइम, कैसे क्राउड में है, उसमें भी मैटर करता है. लाइक हमें देख लो, किसी टाइम तो हम भी ऐसा होता है कि अगर हमारे जान पहचान के लोग हैं या फिर हमारे कुछ इंटरेस्ट किसी के साथ मैच करते हैं तो हम बात कर पाते हैं. अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं, मेरा सामने वाले पर्सन के साथ कुछ इंटरेस्ट मैच ही नहीं हो रहा, कुछ हमारे टॉपिक्स सेम ही नहीं है, तो हम कम बात करते हैं वहाँ पे. सो ऐसा, राइट. सम पीपल मे बी नेचुरली मोर टॉकेटिव वाइल अदर्स मे बी मोर रिजर्व्ड और इंट्रोवर्टेड. हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा बात करते हो सकता है कि जो दूसरे हो वो रिजर्व्ड और इंट्रोवर्टेड हो, मतलब ज़्यादा किसी से बात ना करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वट जॉब्स नीड एम्प्लॉयज टू बी टॉकेटिव. ऐसी कौन कौन सी जॉब्स हैं जो कि डिमांड करती हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि स्टाफ है, वो टॉकेटिव हो.
वेल देर आर न्यूमरस जॉब्स, ये बहुत सी जॉब्स हैं वेयर बींग वर्बोस ऑफ वर्कर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल. बींग वर्बोस मतलब बींग टॉकेटिव, कि ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जहाँ पे मतलब आपका बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. द फर्स्ट दैट कम्स टू माई माइंड इज़ नन अदर देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. द फर्स्ट जॉब कर लेना गाइज, यहाँ पे द फर्स्ट जॉब दैट कम्स टू माई माइंड इज़ नन अदर देन टीचिंग एंड ट्रेनिंग. जो पहली जॉब है जो कि मेरे माइंड में आ रही है वो और कोई नहीं, टीचिंग एंड ट्रेनिंग है. एज दे मस्ट बी एबल टू कन्वे इन्फॉर्मेशन क्लियरली, कि उनमें इतनी वो होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि वो अपना जो इन्फॉर्मेशन, वो जो अपना मैसेज देना चाहते हैं, जो भी वो लर्निंग देना बताना चाहते हैं, वो अच्छे से क्लियरली दे सके एंड एंगेज देयर लर्नर्स, एंड जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, वो उनको एंगेज करके रख सके अपने में, वेदर इट्स अ क्लासरूम और अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग सेटिंग. फिर चाहे वो क्लासरूम है या फिर किसी भी तरह की कोई भी ट्रेनिंग हो रही है. अनदर एग्जाम्पल कुड बी ऑफ पब्लिक स्पीकर. और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं पब्लिक स्पीकर की, जैसे कि उसमें आ गया रेडियो जो कि मोटिवेशनल स्पीकर, या पॉलिटिशियंस हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है जहाँ पे मतलब उनको लंबे लंबे भाषण देने होते हैं, बहुत कुछ बोलना होता है, ठीक है, लोगों को एंटरटेन करने के लिए या बात करने के लिए, कुछ मैसेज पहुँचाने के लिए. तो उस तरह की जॉब्स में भी जो एम्प्लॉयज़ का है क्या ज़रूरी होता है, टॉकेटिव होना. नेक्स्ट, शुड चिल्ड्रन बी एनकरेज टू टॉक मोर. क्या जो चिल्ड्रन है उनको एनकरेज करना चाहिए, क्या उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो ज़्यादा बात करें. येस, प्रमोटिंग चिल्ड्रन टू टॉक मोर इज़ जनरली बेनिफिशियल फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट. हाँ, चिल्ड्रंस को मोटिवेट करना, उनको एनकरेज करना कि वो ज़्यादा बात करें, उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव हो सकता है. इट हेल्प्स टू डेवलप देयर कॉग्निटिव एज वेल एज लैंग्वेज स्किल्स बाय मोटिवेटिंग चिल्ड्रन टू थिंक, रीज़न, अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड देन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इफेक्टिवली. इससे क्या होता है कि जब हम उनको उकसाते हैं कि हाँ और बात करो, तो वो सोचेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या कारण है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उनको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सब सोचने के बाद फिर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वो बताएंगे. तो उससे क्या होगा, उनका जितना वो सोचेंगे उतना उनकी ब्रेन की क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, मतलब उनकी कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी, राइट. सो ये हो गया एक फ़ायदा. और क्या, इट फोस्टर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन किड्स एज वेल. ये जो बच्चे हैं उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी क्या करता है, बूस्ट करता है. फोस्टर का मतलब होता है किसी भी तरह का कुछ मतलब डेवलपमेंट करना, उसमें हेल्प करना किसी भी चीज़ के डेवलपमेंट में. तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा क्योंकि बच्चे सोचेंगे, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, सब होएगा, तो बोल पा रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस भी क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है. एंड गाइस, जो ये किड्स है इसको सिर्फ और सिर्फ हम स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसको कभी भी राइटिंग में नहीं यूज़ करना, बिकॉज ये क्या एक इनफॉर्मल वर्ड है. अगर राइटिंग में यूज़ करके आओगे तो आपके बैंड्स क्या है, कम होएंगे. सो गाइस, दिस वाज ए सैम्पल आंसर. आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड अच्छा भी लगा होगा. फिट सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.